हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट जॉब्स में। तो दोस्तों, आज की जो वैकेंसी है ये वैकेंसी आ रही है मारुति सुजुकी की तरफ से। गाइस, इससे पहले मैंने एक और वैकेंसी डाली थी मारुति सुजुकी की तरफ से, वो भी काफ़ी लेटेस्ट अपडेट थी। और जिन स्टूडेंट ने अप्लाई नहीं किया है उसमें अप्लाई ज़रूर कर दीजिए। और गाइस, इस वैकेंसी के लिए मैं आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट बता रही हूँ, अभी तक यहाँ किसी ने भी अप्लाई नहीं किया है और आप सभी जल्दी ही अप्लाई कर देना। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये सारी चीज़ें जान लेते हैं। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। सबसे अच्छी बात ये है गाइज, यहाँ पर फ्रेशर स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं और फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी निकाली गई है। काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट रहेगी। और यहाँ कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो देखिए, मिनिमम से मिनिमम अगर आप लोग 10th पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं गाइज। यहाँ अगर 12th पास कैंडिडेट हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ITI कैंडिडेट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप लोगों की बेसिक यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन रहने वाली है। अगर आप इन क्वालिफिकेशन को फॉलो करते हैं तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू ज़रूर कीजिए। यहाँ आप लोगों को अप्लाई लिंक टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिससे कि आप लोग का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और डायरेक्ट आप सभी को लिंक मिल जाए, वहाँ से जाकर आप लोग अप्लाई कर पाएँ। देखिए गाइस, आप लोग अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप लोग वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब बात करें गाइस हम लोग इस वैकेंसी की, इससे पहले मैंने एक और वैकेंसी डाली थी मारुति सुजुकी की तरफ से, लेटेस्ट आ रही थी, वो सिर्फ और सिर्फ ITI वालों के लिए थी। अगर हमारे ITI वाले कैंडिडेट देख रहे थे इस वीडियो को तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाकर एक बार उसे चेकआउट कर सकते हैं। काफी अच्छी लेटेस्ट अपडेट थी। अब बात करें यहाँ इस वैकेंसी की, तो यहाँ पर सभी स्टूडेंट एलिजिबल हैं। अप्लाई करने के लिए डायरेक्ट लिंक आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। बाकी दूसरा तरीका ये भी है, आप लोग वीडियो में देख कर इस तरीके से इसे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ आप लोगों को इस तरीके का टैब ओपन होगा। जब आप लोग उस अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे, इस तरीके का टैब होने के बाद आप लोगों को थोड़ा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने पे आप लोगों को यहाँ देखने के लिए मिल जाएगी वैकेंसी। ये वैकेंसी आप लोग देख सकते हैं यहाँ आ रही है। तो गाइस, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये बार बार स्क्रॉल हो रही है स्क्रीन। यहाँ आप लोगों को वन बाय वन नेक्स्ट रो टू नेक्स्ट आप लोग को वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएगी। ये वैकेंसी देख सकते हैं आप लोग, देखिए ये स्क्रॉल हो चुकी है। मैं एक बार इसे जो है वापस लेकर आती हूँ। यहाँ आप लोग क्लिक करके पीछे वाला जो है फिर से देख सकते हैं। आप लोग को मैं थोड़ा यहाँ जल्दी डिस्कस करूँगी, क्योंकि बहुत जल्दी स्क्रॉल हो जाती है वैकेंसी। इतना जल्दी स्क्रॉल हो जाती है ना कि मैं आप लोग को डिटेल भी नहीं दे पा रही हूँ। और यहाँ चलिए मैं फिर से अगेन करती हूँ। देखिए ये जो सबसे पहले वैकेंसी हम लोग इसके बारे में देखेंगे, यहाँ देखिए इंडस्ट्रियल की है। और जो हमारी डिग्री वाले स्टूडेंट है, डिग्री प्रोग्राम विद पार्टनर यूनिवर्स, ठीक है, मारुति सुजुकी में ये वैकेंसी है। अगर आप लोगों ने 3 साल का डिग्री किया है, BA वगैरह या फिर BBA वगैरह कर रखा है, आप लोग इसके लिए एलिजिबल है डिग्री वाले, ठीक है। यहाँ आप लोग फर्स्ट ईयर में आप लोग का जैसे क्लासरूम ट्रेनिंग होता है उस तरीके से आप लोग को बताया भी जाएगा, सारी चीज़ें सिखाई भी जाएंगी, ऑलमोस्ट आपको सैलरी भी दी जाएगी। सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर में भी आप लोगों को जो है नेक्स्ट आप लोग की पोजीशन बढ़ा दी जाएगी। और थर्ड में ट्रेनिंग भी आप लोग की चलती रहेगी, क्योंकि यहाँ पर हर 6 महीने पर ट्रेनिंग चलती है, जिससे कि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो ऐसा ना हो कि पीछे का जो भी चीज़ें होती हैं उनको कुछ नया सीखने ना मिले, सिर्फ उसी पे काम करते रहे। ये सुजुकी का जो है एक रूल है कि जब भी ट्रेनिंग के तौर पर स्टूडेंट्स को रखता है, वो कुछ ना कुछ हर बार नया सिखाता है, जिससे कि उनके जो स्टूडेंट हैं वो थोड़ा आगे कुछ यूनिक करें, ठीक है। अब यहाँ एलिजिबिलिटी रहेगा, इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। आप लोग अगर इंडिया के हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, मैटर नहीं करता है कि आप किस स्टेट से हैं, सभी स्टूडेंट एलिजिबल हैं। अब यहाँ हमारे 12th पास वाले, अब देखिए यहाँ 12th पास वाले एलिजिबल हैं। अगर आप लोगों ने 12th किया है तो ये 12th वाले आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर 12th के बाद डिप्लोमा किए हैं कुछ स्टूडेंट, जैसे कुछ स्टूडेंट हमारे 12th के बाद डिप्लोमा कर लेते हैं, तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पर बात करूँ तो जो हमारे स्टूडेंट ग्रेजुएशन किए हैं, ग्रेजुएशन कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 12th के बाद ही ग्रेजुएशन होता है, 3 साल का ग्रेजुएशन किया है वो एलिजिबल रहेंगे। और उसके बाद देखिए जो आप लोगों को अप्लाई करना है, अप्लाई करने के लिए
यहाँ क्लिक कर सकते हैं। ज़्यादा अपडेट जाननी है तो आप लोग क्लिक हेयर आप लोग कीजिए, यहाँ से आपको ज़्यादा अपडेट देखने के लिए मिल जाएगी। अब देखिए गाइस, ये इस वैकेंसी के लिए आप लोग यहाँ से जाकर अप्लाई कर देना। अप्लाई के प्रोसेस भी मैं बताऊंगी, उससे पहले मैं नेक्स्ट वैकेंसी देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट वैकेंसी के लिए आप इधर क्लिक कीजिए, ये देख सकते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है ऑटोमेटिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कंपनी है आप लोगों की मारुति सुजुकी। 18 से 20 साल एज लिमिट होनी चाहिए आप लोगों की, अगर ज़्यादा है तो आप लोग एलिजिबल नहीं, क्योंकि एक तरीके का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो जैसे काफ़ी स्टूडेंट होता है कि होते हैं कि ट्रेनिंग करते हैं 1 ईयर वाली, कुछ स्टूडेंट 6 मंथ वाली करते हैं, जो एक तरीके से वोकेशनल ट्रेनिंग होती है, मतलब समर ट्रेनिंग भी बोलते हैं हम उसे। तो डिपेंड करता है कि आप किस ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर अप्लाई करते हैं फॉर्म। और यहाँ देखिए एजुकेशन आप लोग का 10th पास, अगर आप 10th पास हैं, 10th पास करने के बाद अगर आपने ITI कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हैं, 10th पास करने के बाद डिप्लोमा कर रखा है तो भी एलिजिबल है। तो यहाँ 10th पास मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए आप लोग का। 18 से 23 साल एज लिमिट चल जाएगा, ठीक है। और 18 से 20 जो प्रोडक्शन वाले, मतलब जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसमें जो स्टूडेंट जाएंगे उनका 18 से 20 साल रहेगा, लेकिन जो सप्लायर वाले हैं उनके लिए 18 से 23 साल एज लिमिट रखा जाएगा, मिनिमम 10th पास। और यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग का रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू रहेगा। रिटन टेस्ट में भी आप लोगों को से हो सकता है आपकी ट्रेड से जो भी, मतलब रिलेवेंट आप ट्रेड किए हैं उससे रिलेवेंट ही आपसे पूछा जाएगा, बेसिक इंटरव्यू भी लिया जाएगा। आप लोग का 2 साल का यहाँ पर ट्रेनिंग ड्यूरेशन रहने वाला, मतलब कोर्स ड्यूरेशन 2 साल का रहेगा। क्लास रूम वगैरह एक अच्छे से प्रॉपर तरीके से आपको ट्रेनिंग कराई जाएगी, आपको क्लास रूम वगैरह में बिठा के हर चीज़ बताया जाएगा, देन उसके साथ प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा, उसके बाद वर्क भी आप लोग को वर्क फील्ड पर कराया जाएगा, हर चीज़ आपको कराई जाएगी। ये आप लोग का रहने वाला है। ITI डिप्लोमा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से अप्लाई कर देना। उसके बाद अप्लाई किस तरीके से करेंगे वो मैं आप लोग को बता देती हूँ। चलिए मैं आप लोग को, देखिए अप्लाई करने का प्रोसेस सेम है, तो सेम ही तरीके से आप लोग को अप्लाई करना है। अप्लाई पर क्लिक कीजिए, आप लोग अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का एक न्यू टैब ओपन होगा जहाँ आप लोग को फॉर्म देखने के लिए मिल जाएगा। इस फॉर्म में आप लोग को फर्स्ट नेम डालना है, फर्स्ट नेम आप लोग का जो भी नाम है, मैं कुछ भी मान सकती हूँ यहाँ पर नाम आप लोग का, लास्ट नेम जो आप लोग का सरनेम है वो यहाँ डालना है, DOB मतलब डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ अपना जो है फीमेल है मेल है कैंडिडेट है सेलेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी जो वर्किंग ईमेल आईडी है वही डालें, अदर वर्किंग ईमेल आईडी ना डालें जो वर्क नहीं कर रही है। यहाँ स्टेट अपना चूज कर लेना आप लोग का कौन सा स्टेट है, ठीक है। स्टेट जो आप लोग यहाँ से चूज कर लेंगे, स्टेट के बाद आप लोग जैसे मान लीजिए मैं एक स्टेट चूज कर लेती हूँ UP, ठीक है, उत्तर प्रदेश हम लोग चूज कर लेते हैं। सिटी आप लोग चूज कर लेती है आप लोग की जो भी सिटी है, दान अपना आप एड्रेस डाल देंगे, आप लोग किस कोर्स के लिए यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं वो कोर्स आप लोग डाल दीजिए, इंडस्ट्रियल या फिर आप लोग वोकेशनल ट्रेनिंग वाले के। तो मान लीजिए मैं इंडस्ट्रियल के लिए कर रही हूँ, ठीक है, तो जो हमारे 12th के बाद यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं वो 12th से कर रही हूँ। उसके बाद आप लोगों को यहाँ वो डालना है अपना नंबर, फ़ोन नंबर, जो नंबर आप लोग का वर्किंग है, क्योंकि यहाँ पर जैसे आप लोग यहाँ डालेंगे तो सेंड OTP, उस पर एक OTP जाएगा, वो OTP आप लोगों को यहाँ पर मतलब हो सकता है डालना हो, वैसे तो यहाँ ऑप्शन नहीं है डालने का, बट यहाँ पर OTP जाएगा, देन एग्री करना है, एग्री करने के बाद सबमिट करना है। लेकिन गाइस इस चीज़ का ध्यान रखें, यहाँ एक लिमिटेड ही सीट है तो इसको अप्लाई ज़रूर कर दें, और ये बहुत ही मतलब टाइम बाद आता है और काफ़ी टाइम बाद ये फॉर्म निकला है, इस फॉर्म को अच्छे से अप्लाई कर देना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। गाइस मैं ऐसे ही आप लोग के लिए अपडेट लाती रहती हूँ, आप बिल्कुल भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, थैंक यू।